ओलंपिक्स का नाम सुनते ही हमारे मन में फिजिकल स्ट्रेंथ के परफेक्शन के ख्याल आते हैं, जैसे कि उनका स्लोगन है और तेज और ऊंचा और ताकतवर। लेकिन क्या आपको पता है, कई सालों तक ओलंपिक्स ने सेहत खराब करने वाली सिगरेट्स को खूब बढ़ावा दिया है। सन 1984 तक तो ओलंपिक्स के ऑफिशियल सिगरेट पार्टनर तक रहे हैं। टाथन 100 और ओलंपिया जैसी सिगरेट्स ने ओलंपिक्स के लोगों का खूब यूज किया और जनता के बीच सालों साल तक छाई रही। इसी तरह जापान में 1964 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में टोक्यो 64 नाम की सिगरेट का खूब बोलबाला था। ओलंपिया और टोक्यो 64 का असर ऐसा हुआ कि 1964 के आसपास जापान में सिगरेट पीने वालों की तादाद एकदम से बढ़ गई। इस चक्कर में आने वाले कुछ दशकों में जापान में लंग कैंसर से होने वाली मौतें 2-3 लाख से लेकर 40 लाख तक पहुंच गई। ये था ओलंपिक्स का डार्क इन्फ्लुएंशियल साइड, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है।